या गाइस, फाइनली 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 हम हमारे टाउन के स्मार्ट पार्क के फूड स्टेशन में आ चुके हैं। यहाँ पे क्या क्या मिलता है स्पेशली? यहाँ पे दाल वड़ा, आलू चॉप, प्याजी पकौड़ी और मसूर पकड़ा, पनीर पकड़ा, वेजिटेबल चॉप मिलता है। पनीर पकड़ा होता है? हाँ, अभी होगा, अभी होगा। तो आप देख सकते हो शाम होने वाला है ना, अभी हम मैडम के साथ हैं। अब बताइए कैसे सब लड़की लोग चला रहे हैं ये शॉप, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, हमारे टाउन में ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे भवानीपटना में ऐसे नहीं हुआ की जो लड़की लोग जो ये चला रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत अच्छे ले रहे हैं। सब जो SAG ग्रुप वाले है ना, बहुत वो नवीन पटना को बहुत शुक्रिया अदा कर। बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। कितना टाइम लग जाएगा हमें? आप बैठिए ना, हम गरम गरम देते हैं ना, जी जी। तो थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। पनीर पकौड़ा खा लिया है, उसके बाद मैंने वड़ा, आलू बोंडा ये सब खाया, एंड अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ पानी पूरी। बंदर देख सकते हो, एंड हमारा पुराने स्पीसीज। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज आवर चिकन पकौड़ा, देख सकते हो। एंड ये हमने लिया, बहुत ही हॉट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली 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 मैं आ चुका हूँ हमारे भवानी पटना के स्मार्ट पार्क पे। एंड ज्यादा मैं कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि क्या ही है ज्यादा, वॉक अराउंड दिखाऊंगा क्या क्या है क्या नहीं। बस वहाँ जाएंगे, मैं कुछ खाने जाता हूँ, मेरे भूख बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ खा के आप लोगों से मिलता हूँ, फिर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वॉइस ओवर भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं है मुझे कितना टाइम तक मैं कर पाऊंगा ऐसे। तो यार तो या गाइस, नीचे शायद कैंटीन है, मुझे कैंटीन जाना है, भूख लग रहा है मेरे को। एंड या इधर शायद सिटिंग एरिया सब उधर है। एंड या काफी शांत माहौल है, हमारा आशीष नगर पीछे है एंड मैं इधर हूँ। एंड या बहुत ही अच्छा लग रहा है, इधर बन रहा है मेडिकल कॉलेज, पता नहीं कब कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप देख सकते हो उधर, दिखा थोड़ा सा, पूरा फुल्ली मतलब कॉम्पैक्ट हो गया है, पूरा फुल्ली फील हो जाएगा, जब होगा तब मजा आएगा। हमारे टाइम में नहीं बना, लेकिन हमको मेडिकल भी करना नहीं है। भीड़ बहुत ज़्यादा है गाइस, आप देख सकते हो पूरा फिल है। सो या होटल पेट पूजा, देखते हैं क्या क्या मिलता है उधर, कुछ अच्छा हुआ तो खा लेंगे, कुछ अच्छा नहीं हुआ फिर भी खाएंगे, क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा। सो या गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी साउंड इको हो रहा हो, क्योंकि ये वैक्यूम मतलब थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होके कवर है ऊपर। एंड या बंदर देख सकते हो, एंड हमारा पुराने स्पीसीज एज वी ऑल स्टडी इन आवर बुक्स। सो या अभी मुझे दिख गया खाना, कुछ अच्छा ढूंढना पड़ेगा। तो या गाइस, फाइनली 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 हम हमारे टाउन के स्मार्ट पार्क के फूड स्टेशन में आ चुके हैं। कैसा फूड स्टेशन मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मैंने पकड़ लिया एक आइसक्रीम, मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन सा आइसक्रीम यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हो प्लेंटी ऑफ आइसक्रीम्स है। एंड ये वाला भी है, आप देख सकते हो, ये शायद केसर पिस्ता टाइप, केसर पिस्ता, केसर बादाम कुल्फी है। तो मैं दोनों आइसक्रीम ले रहा हूँ। एंड इधर आप देखिए चॉकलेट फ्लेवर, एंड या बहुत सारे वैरायटीज हैं। एंड स्पेशली यहाँ पे आपको आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएगा, ड्रिंक वगैरह, 7 अप कैन या फिर बॉटल, जो भी मिल जाएगा सब कुछ। एंड यहाँ से ही शुरू हो रहा है हमारा खाने का सफर। एंड तो पहले हम खा ही लेते हैं आइसक्रीम, दोनों खाएंगे अभी, एंड उसके बाद हम लोग मिलेंगे। सो या गाइस, आपको एक बात बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एक फीमेल है, यहाँ पे हर एक शॉप में फीमेल चला रहे हैं सब कुछ, तो वो थोड़ा बिजी है अभी, उनके साथ थोड़ा बातचीत करेंगे हम, थोड़ा सा टाइम देते हैं उनको, क्योंकि उनका भी तो काम है ना, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। सो आप देख सकते हो शाम होने वाला है ना, अभी हम मैडम के साथ हैं। अब बताइए कैसे सब लड़की लोग चला रहे हैं ये शॉप, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, हमारे टाउन में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कितना 18-19 साल हो गया मेरे को, बट मैंने अब आज तक नहीं था कि लड़कियां सब कुछ चला रहे हैं। तो कुछ बोलिए इसके बारे में। हमारे भवानीपटना में ऐसे नहीं हुआ कि जो लड़की लोग जो ये चला रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और बहुत अच्छे ले रहे हैं। सब जो SAG ग्रुप वाले हैं ना, बहुत वो नवीन पटना को बहुत शुक्रिया अदा कर, बहुत खुशी रहे जो मैंने बहुत खुशी रहूचन। और जो SAG ग्रुप रो तरफ सब समस्त समस्त माँ मैंने नवीन पटना को बहुत प्रशंसा कर, बहुत खुशी लगुची। ये पार्कटा बहुत सब बेले चालू, बहुत बढ़िया रहे। थैंक यू।
सो या गाइस, जैसे कि आप लोग उनका बातें सुना, वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा श्री, मतलब मिस्टर नवीन पटनायक हमारे सीएम, एंड उनको वो थैंक्स करें, क्योंकि ये जो एक नाम बोले टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट सब फीमेल्स सब चला रहे हैं इसको, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे एंड खुशी का बात हुआ। तो थोड़ा सा मैं आइसक्रीम वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा। अभी बहुत सारा खाना बाकी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से लाइक कर दो, चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट लाइक बटन अगेन। ओह या गाइस, आप देख सकते हो ये है वड़ा, ये है आलू बोंडा, इसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं आलू चॉप, एंड ये एक टाइप का वड़ा है, बट मुझे पता नहीं है कौन सा वड़ा है। एंड ये है भजिया, पकोड़े जो भी बोल सकते हो, एंड फ्रूट्स एंड दही, सॉरी लस्सी वगैरह सब कुछ है। एंड वहाँ पे पानी पूरी सेक्शन है, एंड एज यू ऑल कैन सी, आप देख सकते हो ये यहाँ पे भी एक फीमेल है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। या गाइस, अभी मैं कुछ खाने वाला हूँ, आइसक्रीम खाने वाला था, बट मेरे को लगा कि कुछ खा लेता हूँ फिर उसके बाद आइसक्रीम खा लूंगा, क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा फिर से। तो मैं जल्दी से खाता हूँ क्या क्या है। आप लोगों ने देखा वड़ा, फिर आलू बोंडा, एंड लस्सी, एंड पानी पूरी, एंड या बहुत कुछ है, तो आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, दस रुपए में दो ठो, ओके, एंड सब कुछ सेम ही है, ओके। तो और ये पानी पूरी का क्या सिस्टम है? पानी पूरी 10 रुपया को 5। हाँ, अच्छा अच्छा, बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ओके। सब यहाँ पे क्या क्या मिलता है स्पेशली? दाल वड़ा, आलू चॉप, प्याजी पकौड़ी और मसूर दाल, पनीर पकौड़ा, वेजिटेबल चॉप मिलता है। पनीर पकौड़ा होता है? हाँ, अभी होगा। हाँ, अच्छा, कितना रुपए मेरे को प्राइसिंग सबका बोल दो। 50। हाँ, मसूर पकौड़ा, पनीर पकौड़ा 50, वेजिटेबल 50, अब ये सब 10 रुपए में दो। ठीक है ठीक है, तो हमारे लिए एक पनीर पकौड़ा, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, आलू बोंडा और वड़ा, ठीक है, ओके, जल्दी से बना दीजिए, मैं आपका थोड़ा वेट करता हूँ। अब देख सकते हो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है हमारा टाउन, मतलब बहुत ही अच्छा प्लान है ये नवीन पटनायक जी का। एंड या आप देख सकते हो सिटिंग एरिया है, सब कोई आराम से बैठे हैं। एंड या गाइस, मतलब आज संडे है इसलिए मतलब इतना रश हुआ टिकट खरीदना, बट बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये बनने से पहले आया था एंड अभी उसके बाद आया हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई एम एंजॉयिंग इट, एंड आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग इट टू। वाओ, दे आर यूजिंग ग्लव्स, एंड या हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है, सो इट्स इम्प्रेसिव। ये पनीर पकौड़ा है? वाओ, 50 रुपीज में, क्वांटिटी इज ग्रेट। सो आप देख सकते हो ये है पनीर पकौड़ा, एंड आलू बोंडा, और ये क्या बोलते हैं, ये वड़ा, एक दे वड़ा भी, एक एक प्लेट दे दो, ठीक है, हाँ मिक्स कर दो, एक एक इधर इधर का दे दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा पनीर पकौड़ा, गाइज यू कैन सी द क्वांटिटी, आप मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्ट्रिप्स में कट किया गया है, एंड क्वांटिटी कमाल है। सो या गाइस, हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे फेवरेट आलू बोंडा से, आप देख सकते हो पास में, थोड़ा आओ, एंड ये रहा आलू बोंडा, इट इज क्वाइट स्पाइसी एंड गुड। हम ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, क्योंकि बहुत सारा आइटम खाना है, एंड मेरे को मैगी दिख गया, फिर एग वाला दिख गया, नॉनवेज भी है इधर, मुझे सुन के खुशी हुआ। एंड ये गाइस SHG ग्रुप से हो रहा है, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये सब हुआ है, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली हमारे ओडिशा में एक नया इनिशिएटिव है, वो भी हमारे टाउन में, इट फील्स गुड, इट फील्स ब्लेस्ड टू, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फीमेल सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, खुद सर्व कर रहे हैं, खुद काउंटर पे हैं, खुद बना रहे हैं, सो इट फील्स वेरी गुड, आई एम एंजॉइंग दिस, एंड या आई विल टेस्ट द फूड एंड आई विल लेट यू नो। अच्छा फिर बुरा, मैं अभी जाता हूँ गाइज, मैं रह नहीं पाया पनीर पकौड़ा का देख के, पनीर पकौड़ा फिर ट्राई करते हैं। आप देख सकते हो पास में आइए, इतना ज्यादा क्वांटिटी देख सकते हो, कमाल है गाइज, कमाल। हमारा एक पेस्ट उड़ा था, बहुत ज्यादा गर्म है, इट इज पाइपिंगली हॉट, एंड प्योर पनीर है गाइज। सो या थोड़ा सा डिप करते हैं इसमें, एंड ये रहा पनीर, इज सुपर मिल्किश, सुपर जूसी इनसाइड, एंड बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, वाओ, थोड़ा सा सॉस के साथ चिली एंड टोमेटो, गाइस आप खुद देखो 50 रुपए में इतना सारा क्वांटिटी, मतलब दिस इज क्वाइट अमेजिंग, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड या मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, आई एम स्पीचलेस, क्योंकि अभी हम ये वड़ा ट्राई करते हैं। वाओ, आप देखा ना, ये है गाइस स्पेशल दाल, थोड़ा सा बेसन, बहुत ज्यादा गर्म है ये भी,
इसमें मतलब बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बाहर पूरा क्रिस्प हो गया है। दिस एंड दिस बहुत ज्यादा अच्छा है, बाकी से भी अच्छा है, बट ये पनीर पकौड़ा और ये वड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मतलब कुछ मेहनत करना नहीं पड़ रहा है, मुंह रखने से अच्छे से जा रहा है। अब देख सकते हो पनीर, वाओ। ये जो स्ट्रिप है ना, ये पूरा पनीर का है एंड या बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है पनीर। इट इज टू डिलीशियस एंड या ये जो स्टिक नहीं दिख रहा है क्या, ये फुल्ली मेड ऑफ पनीर है एंड ऊपर थोड़ा सा हल्का हल्का कोटिंग है एंड यही चीज मतलब अच्छे से दिखा रहा है कि कितना डिलीशियस है ये, मतलब वाओ। ये थोड़ा अनयूजुअल नहीं है बट बहुत ज्यादा टेस्टी है एंड बहुत ज्यादा अच्छा है। सो पॉकेट फ्रेंडली है तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यार गाइस, मैंने पनीर पकौड़ा खा लिया है एंड उसके बाद मैंने वड़ा, आलू बोंडा एंड ये सब खाया एंड अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ। मतलब ज्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ही खाऊंगा, और भी कुछ खाना है मेरे को। अब मैं खाऊंगा पानी पूरी, जो कि बोला जाता है कोलकाता में पुचका। मैं कोलकाता गया था तब पता करके आया हूँ। सो आप देख सकते हो पानी पूरी, ये है इंडिया का मतलब वन ऑफ द मोस्ट लव फूड, स्ट्रीट फूड में ऐसा आता है। एसएचजी गर्ल्स, सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो या गाइस, अभी फिलहाल हमारा पानी पूरी एंड पनीर पकौड़ा, द टेस्टीएस्ट पनीर पकौड़ा मतलब कॉटेज चीज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज चीज एंड मुझे मतलब 50 रुपए में इतना ज्यादा क्वांटिटी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड अभी हम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे मैगी का एक साइन है, मैगी का एक पीस है एंड उसके पास है चिकन पकौड़ा एंड एग पकौड़ा। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। नॉन वेज काउंटर पे कौन कौन सा आइटम मिलेगा अभी? चिकन पकौड़ा, हाँ, बॉयल एग, हाँ, आमलेट एग, हाँ, चॉप एग है वो, okay। बच्चों के लिए मैगी, मैगी होगा, हाँ। मैगी मतलब सादा मैगी होगा या फिर एग मैगी या फिर चिकन मैगी, जैसे बोलोगे वैसा बना सकते। वैसा, हाँ। पक्का? तो हाँ। तो हमारे लिए प्राइसेस बता दीजिए सबका, कितना रुपीज है? ये मैगी बच्चों के लिए ना, प्लेन मैगी 20 रुपीज, ओके, और बॉयल एग 1 पीस ना 10 रुपीज, ओके, चिकन पकौड़ा 1 प्लेट, हाँ, ओके, वेरी नाइस। एक प्लेट में कितना पीस सब आ जाएगा? सब ओके, एक्सेप्शनल। तो अभी हमारे लिए काम कीजिए, एग मैगी एक, हाँ। एक अंडा मैगी और चिकन पकौड़ा, हाँ। सर्व कर दीजिए, ठीक है। हाँ। मैं थोड़ा सा वेट, कितना टाइम लग जाएगा हमें? आप बैठिए ना, हम गरम गरम देते हैं ना, जी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू, जल्दी थोड़ा कीजिए, ठीक है। अब देख सकते हो पीछे है हमारा आशा सागर एंड या ये मतलब बचपन से मैं देखता रहा हूँ, मतलब कितना बंजारा एरिया था, मतलब पूरा खाली था एंड जब से सिनेप्लेक्स बना उसके बहुत सारे साल बाद ये बन गया एंड इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे एंड या आई विल टेस्ट द फूड एंड आई विल लेट यू नो अगेन। तो या गाइस, आप देख सकते हो ये है मैगी आ चुका है, तीन चार अनियन टमाटो मैगी एंड या बच्चों के लिए आ चुका है एंड उनका चेहरे से स्माइल देख सकते हो मैगी के लिए। तो या सो या गाइस, आप क्राउड चेक कर सकते हो, पूरा 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 फुल कवर है एंड या हम एक चिकन नॉन वेज काउंटर पे हैं। अभी हमारा पकौड़ा मतलब फ्राई हो रहा है एंड हमारा एग मैगी बन रहा है, तो बहुत ही मजा आ रहा है, एक नया एक्सपीरियंस है। आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा एंड मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्या बोलता है राजवीर, सही लग रहा है तेरे को? बढ़िया। सो या गाइस, आप देख सकते हो ये आ चुका है हमारा एग मैगी, कितना शानदार लग रहा है। मैं जहाँ तक इतना सारा जगह घूम चुका हूँ, आई हैव ट्रेवल टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस बट आई हैव नेवर टेस्टेड दिस काइंड ऑफ फूड पार्क में। बहुत ही अच्छा लग रहा है एग मैगी, मेरे को याद है मैंने गोवा में खाया था, मतलब इतना मजा आया था, वो था एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस एंड आज मैं खा रहा हूँ पार्क में। सो या आप देख सकते हो कितना ज्यादा शानदार लग रहा है। मैं ऐसे क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे टी में गिर जाएगा, इसलिए आई कैन टेक एनी रिस्क एंड या गाइस, आई वुड रादर सजेस्ट यू टू कम हियर एंड ईट दिस, कि यहाँ पे सब कोई फीमेल ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, काउंटर चला रहे हैं, बना रहे हैं एंड दे रहे हैं, तो या बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैगी बिल्कुल भी ओवरकुक नहीं है, इट इज एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। और आप देख सकते हो एग का तड़का लगाया गया है, एज यू ऑल नो आई डोंट एट टोमेटो बट मैं यहाँ पे खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इतना ज्यादा टेस्टी है इसलिए। तो या ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। सो या गाइस, अभी करंट आ चुका है एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब अभी हमारे सामने है मैगी एंड या बहुत ही शानदार लग रहा है। सो या
गरम भी है, इट इज पाइपिंगली हॉट। अब देख सकते हो ये नॉनवेज काउंटर एंड ये सब वगैरह वगैरह एंड ऑल। मैं ऐसा नहीं बोलते बिरयानी में जैसे खिला खिला चावल, सो वैसे ही खिला खिला मैगी है एंड बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सो हमारा एग मैगी का प्राइस है 50 रुपीज़, चिकन पकौड़ा का भी प्राइस है 50 रुपीज़। सो अभी चिकन पकौड़ा आना बाकी है, अभी मैं खा लेता हूँ पहले एग मैगी। अब देखिए आए हाय हाय भाई, जैसे बोला मैं उनको तब बना के दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड यार सो या गाइस, मैंने आज खाया, क्या खाया बताऊँ, पहले मैं जब एंटर किया उसके पहले ही मैं खाया आइसक्रीम खाने वाला था, बट पहला पीस मैं खाया, क्या खाया था मेरे को याद नहीं पा रहा है, पनीर पकौड़ा। उसके बाद मैंने खाया आलू बोंडा, उसके बाद मैंने खाया वड़ा एंड वो दाल का वड़ा, फिर उसके बाद पानी पूरी एक दो, एंड उसके बाद मैंने खाया एग मैगी। एंड अब तक मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगा है वो है मतलब पनीर पकौड़ा, उसके बाद वड़ा मतलब नॉर्मल वड़ा, उसके बाद पानी पूरी भी अच्छा लगा, एंड उसके बाद मेरे को लगा मैगी एग मैगी। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा में छोटी छोटी पीसेस हैं बहुत सारे हैं, तो यह मज़ा आएगा, अच्छे से मतलब सर्व किए हैं, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। एज यू ऑल कैन सी दिस इज आवर चिकन पकौड़ा, देख सकते हो, एंड ये हमने लिया बहुत ही हॉट एंड पाइपिंगली हॉट चिकन पकौड़ा, उसको हम विदाउट एनी सॉस और विदाउट एनी डिप के साथ खाएंगे। ये चिकन पकौड़ा कबाब वाला फील दे रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुपर डिलीशियस, मुझे यूजुअली सब जगह चिकन पकौड़ा अच्छा नहीं लगता, जहाँ का मैरिनेशन, जहाँ का चिकन अच्छा होता है सभी अच्छा लगता है। तो यस इंडीड, यू शुड ट्राई दीज आइटम्स जो कि है चिकन पकौड़ा, एग मैगी, एंड उसके बाद आया हमारा पनीर पकौड़ा, स्पेशल रिकमेंडेशन, ठीक है, और उसके बाद चिकन पकौड़ा। सो मैं खाना फिनिश करके उसके बाद लस्सी काउंटर पे आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है। सो या गाइस, फाइनली अभी थोड़ा सा बहुत कुछ हम खा चुके हैं ऑलरेडी, एंड अभी हम टेस्ट कर रहे हैं लस्सी। ये कोकोनट से बर्फ फिल है एंड ऊपर है कैजू नट्स, फुली रिफ्रेशिंग, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा, मतलब एपेटाइट बढ़ जाएगा, और कुछ खा सकते हो, पूरा रिफ्रेशिंग। आप देख सकते हो रात में कितना प्यारा लग रहा है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड या गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे वीडियो चाहते हो तो हमारे वीडियो को बहुत सारा शेयर करो, एंड या बहुत ही अच्छा लगा मुझे, स्पेशली वो पनीर पकौड़ा एंड चिकन पकौड़ा, इवन दो सब कुछ ठीक था बट चिकन पकौड़ा एंड पनीर पकौड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी एंड जो टेस्ट। सो या मेरा खर्चा मैं ज़्यादा नहीं बोलता वीडियो में, बट आप सब लोग कमेंट करते हो कि बोला करो, तो या मेरा खर्चा लगभग हो गया, टिकट पड़ा 20 रुपये बस, और यहाँ पे खर्च हो गया 450, तो या सही था, मतलब ज़्यादा बाहर जाने से तो जो इतना होता है, बट यहाँ पे भी सही लगा मुझे, बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया। सो या गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड ये एक टनल जैसा कुछ बनाया है ऐसा फील हो बोल के, एंड बहुत ज़्यादा मतलब रश हो चुका है, क्राउड मतलब फील हो चुका है हमारे ये पार्क में, एंड हमारे भवानीपटना का आ रहे हो तो आप लोग आओ, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि एड्रेस बोलता हूँ इसका, लोकेशन है इन फ्रंट ऑफ द न्यू स्टार सिनेप्लेक्स, एरिया है, एरिया क्या होगा, हरियाणा लाइन, ठीक है। एंड या गाइस, आई होप फ्रॉम माय माइंड, आई होप फ्रॉम माय हार्ट दैट यू डिड लव दिस वीडियो, एंड या क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये वाला एक्सपीरियंस, आई मीन ऑनेस्ट गाइस, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग इट, एंड आपको एक स्पेशल इंसान से मिलाने वाला हूँ, से हेलो टू माय ऑडियंस। हेलो, अच्छा लग रहा है बताऊँ, इतना मतलब अभी 7 बज चुका है, ये शायद 8 बजे तक ओपन हो रहा है, एंड बहुत ही विंडी सा वेदर है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो या भाई मैं बहुत सा खा चुका हूँ ऑलरेडी, पेट फुल हो चुका है इसलिए लस्सी पी रहा हूँ, एंड या बहुत भीड़ है देख सकते हो आप सब, एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, हमारा भवानीपटना इतना इम्प्रूव कर रहा है सब जगह में,
ये फील्ड में नहीं, सब फील्ड में, और ये स्मार्ट पार्क बन चुका है। तो स्मार्ट मतलब सुपर स्मार्ट। गाइज आई एम फुली सेटिस्फाइड बाय दिस पार्क एंड या गाइज मुझे जो भी अच्छा लगा हमारा नवीन पटनायक ने एक्सेप्ट उठाया। एंड SHG गर्ल्स, खाली फुल्ली गर्ल्स, मैं जितना तो जगह पे खाया सब जगह खाली गर्ल्स ही थे। एंड उन्होंने खुद सर्व किया, उन्होंने खुद काउंटर संभाला, उन्होंने खुद बना रहे हैं, तो इट इज क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दे ऑल नीड योर सपोर्ट, तो आप लोग जाओ और अच्छे से खाओ उधर, और अच्छे से घूमो, अच्छे से देखो। अगर नहीं भी खाना तो जाके देख के आओ। बट स्पेशल आई वुड रेकमेंड यू गाइस टू ईट पनीर पकौड़ा एंड चिकन पकौड़ा।